महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी 8 बटालियन की कैंपस में गुरुवार को जेसीआई अमरावती गोल्डन प्रिंसेस द्वारा शिविरार्थी एनसीसी छात्रों के लिए व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जोन ट्रेनर जेसी नीलेश देशमुख द्वारा ली गई इस कार्यशाला में जेसीआई प्रिंसेस की अध्यक्षा डॉक्टर भावना उताने, आरती देशमुख, रसिका राजनेकर, छाया कार्मेक प्रमुखता से उपस्थित थी। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए 3 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी के कमांडर ऑफिसर कर्नल एम के सिंह, सूबेदार दामोदर, सूबेदार सुरेंद्र समेत अन्य स्टाफ ने परिश्रम लिए। इनके पास AK-47 की जो साइड में थी, एक गन का नाम भी उन्होंने खुद ही बताया हुआ है, पेट्रोल भी। दूसरे पाकिस्तानी फौजी आया, उस गन को उठा लिया, उनके हाथ में से निकाल लिया और जाने लगा कि उसका पैर जो है तो एक किसी को लगा। जब वो कहते हैं कि जब मुझे पैर लगा तो मुझे लगा कि मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं, और अभी अगर मैं मरा तो मैं मर मान नहीं सकता, और मारे बिना मैं मरूंगा नहीं। और फिर वो 2-3 पाकिस्तानी फौजी जो सामने निकले तो इनके पास एक हैंड ग्रेनेड था, उन्होंने अपनी हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाली और वो पाकिस्तानी फौजी पर फेंक। अब फेंकने के बाद क्या होगा, पाकिस्तानी फौजी जो है वो देखो पेशेंस नहीं, तो इतने समय तक वो रहते हुए जब वो उन्होंने हैंड ग्रेनेड देखा तो उसने जो जैकेट पहना हुआ था उसको हुडी थी, समझते ना आप, उसको हुड लगा हुआ था, वो हुड में जाके शिविर में 400 कैडेट ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। प्रोग्राम के आयोजन में IPP वैशाली जाधव, डॉक्टर रश्मि नागलकर का सहयोग मिला। इस प्रोग्राम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर छाया कार्मेक थी। शिविर में स्पोर्ट परेड, फायरिंग के साथ व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला, आग से बचाव की कार्यशाला तथा NCC परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।